अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अली रज़ा गोरी हाफिज़ाबाद से। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लेडी एमरल्ड्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे, शुक्रिया। और ये वीडियो स्पेशल मैं अपने कुछ यूके वाले दोस्तों को भी डेडिकेट कर रहा हूँ। दोस्तों, यूके की एक फ़ीमेल थी सारा एमरल्ड्स, उसने इसको फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था यूके में। उसने ही, मेरे कहने का मतलब है, इसको फ़र्स्ट टाइम इंपोर्ट करवाया था क्योंकि ये चाइना में पाया जाता है, ठीक है। तो चाइना से इसको उसने यूके में इंपोर्ट किया था और फ़र्स्ट टाइम यूके में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद ये बहुत पसंदीदा बर्ड है यूके में भी, और इसकी वहाँ पर अच्छी खासी फार्मिंग हो रही है, और पाकिस्तान भी सरफरिस्त में शामिल है इसकी फार्मिंग में। इसके अलावा दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये बहुत खूबसूरत डिस्प्ले का मालिक है, बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है, और ये वेस्ट से नॉर्थ चाइना में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी फ़ीमेल ग्राउंड पे ही एग्स देती है। इसका कलर अल्लाह ने फ़ीमेल का इसी लिए ही ऐसा रखा था कि ग्राउंड पे जब एग्स दे के बैठे तो कोई भी प्रीडेटर उस पर अटैक ना कर सके, कोई हंटर बर्ड उस पर अटैक ना कर सके, ये छुप जाती है अपने कलर की वजह से। और मेल के शार्प कलर्स होते हैं, मेल और फीमेल अगर सोना हो तो ज़्यादातर ट्रीज़ पे सोते हैं, ग्राउंड पे नहीं सोते। इसके अलावा इसके अबाउट जो बड़ी मज़े की बात है कि ये फ्लाई कम करता है, मूडी या ज़रा भागता ज़्यादा है, और बहुत तेज़ भागता है ये। जब भागता है, जब इसको ख़तरा फील होता है तो जंगल में ये भागता ज़्यादा है, फ्लाई कम करता है। पाकिस्तान में इसकी अच्छी डिमांड चल रही है इस टाइम। अगर आप दोस्त फार्मिंग करना चाहें तो इसकी फार्मिंग कर सकते हैं, ये बहुत प्रॉफिटेबल बर्ड है, इसकी फार्मिंग भी बहुत प्रॉफिटेबल है। दोस्तों, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे शेयर करता रहूँ, शुक्रिया जी। और इसके साथ साथ मैं आप दोस्तों को बता दूँ, अगर किसी भाई को ये चाहिए होंगे तो ये गोल फार्म 786 पे अवेलेबल है। इंशाल्लाह सीज़न में आपको इसके बच्चे प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं।